ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। बस गाइस आप लोग जब वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, एंड गाइस इस वीडियो में जो हमारा कलरकेशन वाला जो पार्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गाइस मिस मत करना, वीडियो कंप्लीट वॉच करना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गए आज के इस नए वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आप लोगों को फिर क्या करना है, आपको जाना ऐड फोटो में, एंड गाइस यहां से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है। एंड गाइस मॉडल का जो बैकग्राउंड है मैंने पहले से इरेज कर रखा है, तो एंड गाइस जिसको नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उन भाई को तो वो वीडियो जाकर देख लेना। बाकी गाइस आपको जो मॉडल है इसको मैं थोड़ा आगे रोटेट करूंगा, एंड इसको मैं जो है गाइस कुछ इस टाइप से यहाँ पे स्क्रीन पे रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। एंड जो गाइस आपका जो मतलब ये जो बॉक्स है ना, आपको उसी के अंदर अपने मॉडल को रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है इरेजर टूल में, इरेजर टूल में जाने के बाद आपको इरेजर का हार्डनेस जो है इसको फिक्स कर ले, मतलब ये फुल कर देना है। एंड उसके बाद जो आपको कुछ इस टाइप से ऐसे इरेज करना है, ठीक है, यहाँ से हल्का सा, तो बीच में जो लाइन है गाइस जो आपको दिख रही होगी वाटर की, उसकी लाइन को जो है आपको मतलब कि दिखाना है इसमें, ठीक है, मतलब कि आपको थोड़ा ऊपर से जो आपका मॉडल उसको हल्का सा ऊपर से इरेज कर लेना है। एंड जो ये इसको भी थोड़ा सा नीचे से इरेज कर लेना है, ठीक है, मतलब कि ये लगे कि आप जो है वाटर की उस साइड खड़े हो, यानी कि मतलब वाटर से इस साइड नहीं खड़े हो, ठीक है। तो आपको जो है मतलब कि अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, अभी आपको इसमें जो है मतलब कि अभी इफेक्ट भी डालना है, ठीक है, वाटर का, तो अभी कैसे डालना है वो सब बताऊंगा। तो अभी गाइस इसमें इरेजर टूल में जाकर अभी जो नीचे वाला पार्ट भी हमें थोड़ा इरेज करने की जरूरत है मेरे को लगता है, तो अभी हमारे हार्डनेस को फुल करके एंड इसको हम नीचे से भी इरेज कर लेते हैं हल्का सा। अब यहाँ पे इतना परफेक्ट है, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद जो है गाइस आपको करना है, आपको यहाँ पे एक मॉडल का डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है। एंड डुप्लीकेट बनाने के बाद आपको उसको सेम साइज में रख देना है, एंड उस मॉडल को आपको लेके जाना है ऐसे आपको यहाँ पे इफेक्ट वाला ऑप्शन में, इफेक्ट वाला ऑप्शन ले जाने के बाद आपको कलर्स में जाना है, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट लेना है, एंड उसके बाद जो आपको उसको अमाउंट जीरो करके एंड उसको डन कर देना है, ठीक है। एंड डन कर देने के बाद आपको अगेन जाना है आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन में, एंड इफेक्ट वाला ऑप्शन में जाने के बाद जो है गाइस आपको यहाँ पे सिंपली नेगेटिव वाला लेना, ऊपर से मर्ज करना है, ठीक है, ऊपर मर्ज का ऑप्शन दिख रहा होगा, देन उसके बाद आपको ये ब्लू कलर को लेना है, एंड उसके बाद कर देना डन। इतना हो जाने के बाद जो आप सभी को क्या करना है, आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड मिलेगा, ठीक है, ब्लेंडिंग मोड मिलेगा, तो आपको क्या करना है, पहले तो मतलब इरेजर टूल में जाकर जो आपको उसको पहले थोड़ा सा इरेज कर लेना ऊपर का जितना भी पार्ट है, ठीक है, जितना भी पार्ट ऊपर का सबको इरेज कर लेना है, ताकि मतलब कि जो हमें तो नीचे का पार्ट चाहिए तो आपको ऊपर का रख के क्या फायदा है ना, तो नीचे नीचे का जो ऊपर ऊपर का जितना भी इरेज कर लेते हैं, बाकी नीचे का जो है उसको हम ब्लेंडिंग मोड में जाके इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना, आपको मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई ठीक रहेगा, ठीक है, बट हम ओवरले भी देख लेते हैं, तो ओवरले में यार थोड़ा ब्राइट हो रहा था, हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई रख लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो हम इसकी हल्की सी ओपेसिटी जो यहाँ पे कम कर देंगे। अब गाइस बेसिक की बात है, आप देखिएगा हमारा जो मॉडल है जब वाटर में खड़ा होगा और वाटर अगर हमारे नीचे से डार्क हो तो हमारे मॉडल के जो पैर हैं वो भी डार्क होंगे, ठीक है। तो उसको डार्क करने के लिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है गाइस, आपको इस पीएनजी को जो आपने डुप्लीकेट किया था उसको सिंपली आपको मूव डाउन कर देना है, जो आपका मॉडल जो ऊपर आ जाएगा आपको उसका एक डुप्लीकेट और बनाना है, देन आपको उसको भी सेम साइज में वैसे ही रखना है, सेम चीज़ आप सभी को करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना इफेक्ट में, ठीक है, इरेजर टूल में चलते हैं, पहले ऊपर का जितना भी है हम इसको इरेज कर लेते हैं पहले, ठीक है, ऊपर का जो भी था हमारा सबको हम इरेज कर लेते हैं। अब देखिए गाइस यहाँ पे इरेज कर लिया है, अब गाइस देखिए नीचे का जितना ही पार्ट है अब हमें उसे डार्क करना है, ठीक है। उसको डार्क करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे इफेक्ट में, इफेक्ट में जाने के बाद हम डार्क ये ब्लैक एंड व्हाइट लेंगे, इसका अमाउंट जीरो कर देंगे और डन कर देंगे, ठीक है। डन कर देने के बाद हम इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे, एंड ओपेसिटी कम कर देने के बाद इसको मूव डाउन कर देंगे, बिल्कुल एंड में पहुंचा देंगे, एंड इसको जो है मॉडल आ जाएगा हमारा ऊपर, एंड इसको मूव डाउन कर देंगे, एंड जो हमारा इफेक्ट है इसको हम यहाँ पे नीचे के मूव डाउन कर देंगे। देखिएगा यहाँ पे इतना परफेक्ट एकदम बिल्कुल हमारा मॉडल जो वाटर के अंदर पहुंच चुका है, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद जो आपको सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पे सिंपली अपनी जो ओपेसिटी इसकी है उसको फुल कर देना है, एंड उसके बाद इसको अप कर देना है, एंड देन आप सभी को उसको कर देना है डन, ठीक है। अब इतना परफेक्ट है गाइस, ठीक है, ओपेसिटी वगैरह आप देख लेना अपने हिसाब से, बाकी अब हमारा इतना काम हो चुका है तो अभी हम उसको करते हैं डन। अब बात आती है गाइस हमारे वाटर की, ठीक है, तो वाटर लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली चले जाना है ऐसे ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको पीएनजी मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, तो आपको सिंपली इसको ऐड करना है, ये रेन का पीएनजी है, आपको उसको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको उसको स्क्रीन करना है, फुल स्क्रीन करना है कुछ इस टाइप से, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं करना, आपको बॉक्स के साइज में रख देना है, एंड उसके बाद इरेजर टूल में जाकर इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना, ब्रश का हल्का सा साइज इंक्रीज करना है, एंड उसके बाद फोटो को जूम करना है, मेरे ख्याल से साइज कम ही कर लेते हैं। अब गाइस देखिए ऐसे पेंट करना है, जैसे कि जो पीछे से जो रेन हो रहा है ना वो गिर रहा है मॉडल के ऊपर, ठीक है, तो ये दिखाने के लिए, एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट है, ठीक है, मतलब आपको हल्का हल्का अपने ऊपर रखना है, ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं रखना, मतलब ज़्यादा रखोगे तो फेक लगेगा, आप हल्का हल्का रखना, ठीक है, तो अब यहाँ पे इतना परफेक्ट है। तो अब इसमें गाइस देखिए अब मेरे को क्या लगता है कि अब जो थोड़ा फ्रंट साइड में ना इधर भी हम थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं पेंट, तो इधर कर लिया हमने, जैसे कि थोड़ा वाटर की तरफ भी आ रहा है, सो यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अब गाइस देखिए यहाँ पे इसकी ओपेसिटी हम थोड़ी सी कम कर लेंगे, अब थोड़ा सा ना गाइस चेस्ट के पास भी हम थोड़ा सा मतलब ये लगा देते हैं कि जिससे लगे कि हाँ चारों तरफ हमारे जो है वाटर गिर रहा है, ठीक है,
जो है होता है यहाँ पे इस साइड को। ओके गाइस, तो इतना हो गया हमारा। अब हम इस फोटो को सेव कर लेते हैं एंड इसको लेके चलते हैं हम लाइट रूम ऐप में एंड रीटच करते हैं इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल एंड फोटो को एकदम मस्त बना देते हैं। तो अभी हमने गाइस ओपन कर लिया लाइट रूम ऐप। अब चलते हैं स्लाइड वाला ऑप्शन में, हम इसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको इंक्रीज करेंगे एंड जो हाईलाइट्स है इनको इंक्रीज करेंगे एंड जो शेडो है इसको इंक्रीज करेंगे एंड जो व्हाइट है इसको इंक्रीज करेंगे एंड जो ब्लैक है इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे एंड चलेंगे फिर कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद हम इसमें वाइब्रेशन बढ़ाएंगे, फोटो का जो टेम्परेचर इसको थोड़ा सा कम करेंगे, कलर मिक्स में जाएंगे, कलर मिक्स में जाने के बाद ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे, सैचुरेशन हम इसका माइनस करेंगे, ल्यूमिनस इसका बढ़ा देंगे एंड जाएंगे यहाँ से येलो कलर में, येलो कलर में जाके ह्यू माइनस करेंगे, सैचुरेशन प्लस करेंगे एंड जाएंगे यहाँ से ग्रीन कलर में। तो ग्रीन तो है ही नहीं तो बेसिक सी बात है, इसमें कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो ब्लू कलर में जाएंगे, ह्यू चेंज करेंगे एंड डार्क ब्लू में जाके इसका हल्का सा ह्यू चेंज करेंगे एंड डन कर देंगे एंड उसके बाद जाएंगे हम यहाँ से नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद हम इसकी क्लियरिटी इंक्रीज करेंगे, फोटो में विग्नेट डाल देंगे हल्का सा एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको ग्रेन माउंट, हम इसको बढ़ा देंगे एंड जाएंगे फिर नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में जो नोटिफिकेशन इसको बढ़ा देना एंड इसके नीचे जो कलर नोटिफिकेशन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो बस फाइनली यहाँ पे फोटो एडिट हो चुकी है। तो चलिए गाइस, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।